पाकिस्तान में इस बात का हल्ला मचा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करने वाली है, हिंदुस्तान के सामने सरेंडर होने वाला है। पाकिस्तान अपनी फौज के बारे में कितनी झूठ बोलता है यह पाकिस्तान की फौज के चीफ ने साफ साफ बता दिया। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि वो भारत से जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि टैंकों के लिए डीजल तक नहीं है। अब जब से बाजवा का यह बयान वायरल हुआ, पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन हुआ पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने लोगों को दो वक्त की रोटी खिलाने के पैसे तक नहीं है, वो जंग कहां से लड़ेंगे। टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। बगैर युद्ध के मोदी ने कराया पाकिस्तान की फौज का सरेंडर। ये सौदा जो होता है ना, उसकी बुनियादी डेफिनेशन ये है कि आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। ये जो है ना सरेंडर है, क्योंकि इसके जवाब में आपने कुछ लिया नहीं है। पाकिस्तान की फौज नाकाबिल हो गई, टैंकों का तेल खत्म, तोपों के गोले भी कम। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। दिवालिया जो मुल्क हो रहा है, उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार है, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान के दो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हामिद मीर और नसीम जहरा। दोनों सालों से पाकिस्तान के हालात और वहां की फौज से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इन दोनों का एक खुलासा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के इन वरिष्ठ पत्रकारों ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बड़ा दावा किया है। जनरल बाजवा ने इनके सामने कहा था कि उनकी आर्मी भारत से लड़ने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पास जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के पास अपने टैंक और तोपों को चलाने के लिए डीजल भी नहीं है। इसीलिए 2021 में जनरल बाजवा भारत के सामने सरेंडर करने को तैयार हो गए थे। जनरल बाजवा ने अपने हालात को देखते हुए कश्मीर पर सरेंडर करने का फैसला किया था। नरेंद्र मोदी ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर सरेंडर के लिए मजबूर किया था, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान के इन दो वरिष्ठ पत्रकारों हामिद मीर और नसीम जहरा का यह इकबालिया बयान सुनिए, जिसमें वो पाकिस्तान की फौज के सरेंडर को कबूल कर रहे हैं। कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया, उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, बेशक उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था, याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप
उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं, 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। ये दोनों यही नहीं रुके, इनके मुताबिक भारत के सामने सरेंडर का पूरा प्लान जनरल बाजवा ने तैयार कर लिया था। बाकायदा कश्मीर पर फैसला होने वाला था, प्लान तैयार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2021 में पाकिस्तान जाना था, लेकिन इसकी इमरान खान को कोई जानकारी नहीं थी, और इसीलिए जब इमरान ने जनरल बाजवा को बुलाया तो बाजवा ने इमरान को भी बता दिया कि फौज लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि गोला बारूद, पेट्रोल डीजल सब खत्म है, इसीलिए अब सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऑडिटोरियम जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी? कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बैठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बैठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौकफ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस ठीक है जी, और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर और फिर भी जी उन 5 अगस्त 2019 हो चुका है ठीक है। और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। तो इसलिए फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनके बहुत से मामलात पे इख्तलाफात थे, तो इस मामले पे भी उन्होंने उनका ख्याल था कि यार ये तो बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मैंने तो नोबेल पीस प्राइज लेना था कश्मीर का मसला हल करके जनरल बाजवा ने जी, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन भी लेनी थी। ये 2021 की बात हो रही है, तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के हालात तब भी खराब थे, लेकिन इतने नहीं, अब तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, वहां लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही। इन हालात में तो पाकिस्तान बिल्कुल भी जंग के काबिल नहीं बचा है। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि जनरल बाजवा ने ऐसे हालात में कश्मीर पर सरेंडर करके पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब जिस तरीके से इन्होंने उसको पेश किया ना, ये उन्होंने बाजवा के खिलाफ एक इस्तखासा के तौर पे उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई, उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। ये जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है, और वो डिसीजन किस बेस पे करता है, वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है, और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता एक साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी सी छोटी जंग भी है 10 दिन की जंग, उस पर कितने $1 बिलियन चाहिए, जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जनरल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। और अगर वो इस बात का इजहार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अगर उसने ये सच्चाई बयान की है तो उसको ये चैलेंज करें ना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दें। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भले ही अपने सियासतदानों से मुल्क की बर्बादी के आंकड़े मांग रहे हों, लेकिन वो कहां से देंगे, क्योंकि मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान में महंगाई पिछले साल की तुलना में इस साल 35% तक बढ़ गई। खाने पीने के सामान के दामों में 50% तक का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को IMF लोन नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। पाकिस्तान के पास इंपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं बचे हैं।
पाकिस्तान से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान में कारखानों पर ताले लग चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में पाकिस्तान युद्ध कैसे लड़ेगा, और अगर ये सच्चाई उसके एक पूर्व जनरल ने स्वीकार कर ली है तो इसमें गलत क्या है? क्या ये जनरल बाजवा ने गलत कहा? हमारे पास असलहा भी है और तोपें भी चलती हैं और टैंक भी चलते हैं और हमारे पास पैसा भी है जंग लड़ने के लिए हमारे पास सब कुछ है, हम तैयार हैं और हमारे पास कोई कमी किसी चीज़ की नहीं है, सब कुछ पूरा है। और अगर हम जंग लड़ेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम फातह होकर और बाहर निकलेंगे और हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ये भी ठीक हो जाएगी। मेरा तो ये सवाल है सिर्फ, यानी अगर देखे ना, ये बातें अपनी जगह पर कि क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं? दुनिया में हर चीज़ में हम सबसे नीचे इस वक्त हैं, पासपोर्ट से लेकर और मईशत। दिवालिया जो मुल्क हो रहा है उस मुल्क में क्या हम ये कहें कि हाँ हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ है, नो प्रॉब्लम, फिक्र निश्ता, कोई मसले ही नहीं। सत्य रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा फिलहाल विदेश में हैं और इन खुलासों के बाद उन्हें पाकिस्तान में दुश्मन समझा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बाजवा ने भारत से कश्मीर का सौदा करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जनरल बाजवा को असल में पाकिस्तान की हकीकत पता थी। वो समझ गए थे कि भारत से जंग करके पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाएगा और कश्मीर तो कभी नहीं ले पाएगा। पाकिस्तान की फौज को एहसास हो गया है कि भारत में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व है। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूरे भारत का समर्थन प्राप्त है। उन्हें पता है कि मोदी एक ग्लोबल फिगर है जिनकी पूरी दुनिया सुनती है। भारत के पास एक बहुत ही ज्यादा मजबूत फौज है। ऐसे हालात में अगर भारत किसी दिन पीओके को लेने के लिए चढ़ाई कर दे तो पाकिस्तान अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए जनरल बाजवा को लगा कि भारत से हाथ मिलाने में और कश्मीर पर सरेंडर करने में ही फायदा है। इसीलिए अप्रैल 2021 के हिसाब से पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फौज से अजीत डोवल बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2020 में पाकिस्तान भी जाने वाले थे। मोदी वहां हिंगलाज माता के मंदिर में दर्शन पूजा भी करने वाले थे और इसके बाद कैमरे पर इमरान खान के साथ वो हाथ मिलाते, दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार शुरू हो जाता। इमरान खान साहब सारी पिक्चर में थे और इमरान खान साहब की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। बल्कि जनरल फैज साहब ने इमरान खान साहब से पूछा था, इमरान खान साहब ने कहा था बहुत अच्छी बात है, अगर इंडिया के साथ हमारे मामला तय हो जाएं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। तो उसके बाद ज़ाहिर टॉक शुरू हुई, फिर ये गुफ्तगू दुबई में चलती रही, फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जारी रही। जारी रहते रहते एक वक्त पे आके दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया कि अब हमें सीज़ फायर कर देना चाहिए, हमें अपने बॉर्डर खोलने चाहिए, हमें अपनी हॉटलैंड दोबारा इस्तवार करनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रबते इस्तवार होने चाहिए। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे और 9 अप्रैल 2021 को शायद वो पाकिस्तान आके यहाँ पे हंगोल जाएंगे। हंगोल एक जगह है, बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत जगह है। अगर आप कोस्टल लाइन पे कराची से बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो हंगोल नेशनल पार्क है। हंगोल नेशनल पार्क के अंदर हिंगलाज का मंदिर है, हिंगलाज देवी का मंदिर है। हिंगलाज देवी हिंदुइज़्म में बहुत बड़ी देवी समझी जाती है और नरेंद्र मोदी साहब इस देवी के पुजारी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।